हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के पाठ 13 गति एवं समय के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम पाठ 13 गति एवं समय। अति लघुतरी प्रश्न है इसमें। प्रश्न क्रमांक पहला, आ किसी वस्तु में कितने प्रकार की गति होती है। किसी भी वस्तु में कितने प्रकार की गति होती है, इसके विषय में हमको लिखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, विज्ञान पाठ पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 152 से इसके प्रश्न के उत्तर को खोज सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, किसी वस्तु में 3 प्रकार की गति होती है। नंबर 1 अनुदिश, नंबर 2 वर्चुअल वृत्ताकार जिसको कहते हैं, नंबर 3 आवर्ती। इस प्रकार से हम इसके आंसर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाले वाहनों की सूची बनाइए और इन्हें गति के 2 वर्गों में मंद एवं तीव्र गति में बांटिए। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, विज्ञान पाठ पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 152 से इसके उत्तर को खोज करके यहाँ लिखेंगे। तो देखेंगे हम उत्तर, सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाले वाहन कार, बस, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, साइकिल, ट्रक आदि मंद गति वाले वाहन बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी एवं तीव्र गति वाले वाहन कार और बस आदि है। तो इसमें हमने देखा है कि मंद गति वाले और तीव्र गति वाले और वाहन के विषय में हमने पूरी जानकारी इसमें प्राप्त की। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्न 2 है, कोई सरल लोलक 40 दोलन पूरे करने में 64 सेकंड लेता है। लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। इसके लिए भी हम विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 155 से इस उत्तर को लिखेंगे। हम देखेंगे दोलनों की संख्या है 40, समय 64 सेकंड। अब लोलक का आर्वकाल है समय बटे दोलनों की संख्या 64 सेकंड, और 64 सेकंड को हम यहाँ पर देखेंगे तो 1.6 सेकंड में हम इसको 64 सेकंड को निकालेंगे, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट, तो 1.6 सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। अतः लोलक का आर्वकाल क्या हो जाएगा, 6.6 सेकंड हो जाएगा। इस तरह हम हल कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न 3 है, चाल से आप क्या समझते हैं। चाल के मूल्य मात्रक व अन्य मात्रक लिखिए। विज्ञान पाठ पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 156 से इसके उत्तर के खोज करके हम लिख सकते हैं। देखेंगे हम, चाल बराबर एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। इसका मूल मात्रक ms है एवं अन्य मात्रक km, h या m/min है। तो इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 4 है। अब प्रश्न 4 क्या है, देखिए प्रश्न 4 है, वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर व दूरी मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं। इसके लिए भी विज्ञान पाठ पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 150 से खोज सकते हैं और लिखेंगे हम उत्तर, वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर को चाल मापी व दूरी मापने वाले मीटर को पथ मापी कहते हैं। चाल मापी और पथ मापी आप ध्यान रखेंगे, वाहनों में लगे मापने के जो मीटर हैं उनको चाल मापने के लिए चाल मापी और दूरी मापने के लिए पथ मापी, ये 2 प्रकार के मीटर लगे होते हैं, ऐसा हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए। अब देखेंगे यहाँ पर हमको हल करना है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है कितनी, 120 किलोमीटर। तो इसके लिए हम, और समय कितना है, 2 घंटे है, तो इसके लिए हम चाल बराबर दूरी बटे समय का सूत्र लगाएंगे और दूरी कितनी है 120 किलोमीटर बटे समय कितना है 2 घंटे। अब 2 से हम काट देंगे, 60 दूनी 120 हो जाएगा और यहाँ पर 2 एक कम 2 हो जाएगा, ऐसे हम इसको निकाल लेंगे 60 किलोमीटर हर से। अतः रेलगाड़ी की चाल जो है 60 किलोमीटर हर से घंटा है। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 6,
अब प्रश्न छह में देखिए आप दूरी और समय का एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें हम देखेंगे ग्राफ को समय और दूरी से दर्शाया गया है। ग्राफ में ए और बी चित्र में दो वाहनों ए और बी की गति के दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है? कारण स्पष्ट कीजिए। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, विज्ञान पाठ पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 162 से इसके उत्तर को खोज करके यहाँ पर लिख देंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर चित्र में दूरी समय ग्राफ का ढाल वाहन ए के लिए वाहन बी की अपेक्षा अधिक है, अतः वाहन ए वाहन बी की अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है, ऐसा हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न सातवा। प्रश्न सात क्या है, एक खरगोश 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, इसे मीटर और घंटे सेकंड में व्यक्त कीजिए। इसके लिए भी हम विज्ञान पाठ पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 159 सारणी 13.4 से इसके उत्तर को खोज सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे 54 किलोमीटर दूरी है और 1 घंटा का समय है, तो इसके लिए सूत्र लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब खरगोश की चाल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति हावर से घंटा, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 54 गुणित 1000। अब 1000 इसलिए क्योंकि 1 किलोमीटर में कितनी होती है, मीटर का कितने मीटर का होता है 100, 1000, तो 54 गुणित 1000 कर देंगे बटे 60 गुणित 60, क्योंकि घंटा प्रति चाल है, तो हम काट देंगे यहाँ, यहाँ हम काटेंगे 60 एकम 60, यहाँ हम 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 1 शून्य से ये 1 शून्य से ये, तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 6, 9 6 के 54, 9 बार ये कट गया, फिर यहाँ बचा 6, 6 को हम 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10, दो पंचे दस। इस प्रकार से हम बराबर क्या हो जाएगा जब हम हल करेंगे इसको, तो 3 गुणित 5 बटे 15 किलोमीटर हावर्स घंटा इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न आठ, निम्न स्थितियों में गति की दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। ए है नियत चाल से गति करती कार, बी है सड़क किनारे खड़ी कोई कार। अब दोनों स्थिति में हम देखेंगे, ए देखिए आप नियत चाल से गति करती कार, अब इसको हम देखेंगे नियत तिथि से समय दूरी समय ग्राफ ये बना हुआ है, दूरी का ये ग्राफ बना हुआ है, तो इस तरह से हम ग्राफ इसको तैयार कर लेंगे। इसके बाद बी में क्या कह रहा है, बी का प्रश्न है सड़क किनारे खड़े कोई कार। अब सड़क किनारे कोई कार खड़ी है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए आप यहाँ पर समय यहाँ पर खड़ी है और दूरी, इस प्रकार से इसका ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद देखेंगे दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9, तो किसी वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। पहली अपने घर से साइकिल से विद्यालय पहुंचने में 20 मिनट लेती है, यदि साइकिल की चाल 3 मीटर मिनट प्रति सेकंड है तो पहली के घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। विज्ञान पाठ पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 159 से इसके प्रश्न को खोजेंगे हम। सवाल क्या है और सूत्र इसमें हम लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है, 3 मिनट प्रति सेकंड है, समय 20 मिनट है, तो 20 गुणित 60 सेकंड कर देंगे, तो हम 20 में 60 का गुणा कर देंगे तो 1200 सेकंड जाएगा, और दूरी बराबर चाल गुणित समय कर देंगे, ये सूत्र लगा देंगे, तो हम 3 मीटर प्रति सेकंड गुणित 12 से हम 12 3 36 यानी 3600 मीटर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब 3600 बटे हम 1000 कर देंगे, 1000 इसलिए करेंगे क्योंकि एक एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 36 में हम 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, अब यहाँ बचेगा 36 बटे 10, और 36 में हम 10 का भाग देंगे तो 3.6 किलोमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। अतः हम आंसर लिख देंगे, घर से विद्यालय की दूरी 3.6 किलोमीटर है। इस तरह से हम इस सवाल को हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 10 है, किसी कार द्वारा चली गई दूरी व इस दूरी को तय करने में लगा समय निम्न आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है। अब देखिए आप समय और दूरी, अब देखिए समय है 0,
से दूरी है जीरो, एक मिनट में 2 किलोमीटर, 2 मिनट में 4 किलोमीटर, 3 मिनट में 6 किलोमीटर, 4 मिनट में 8 किलोमीटर और 5 मिनट में 10 किलोमीटर। इस तरह से ये दूरी का ग्राफ बना हुआ है। अब इन आंकड़ों की सहायता से दूरी समय ग्राफ खींचिए। यह ग्राफ कार्य के किस प्रकार की चाल को प्रदर्शित करता है इसको भी हमको हल करना है। इसके लिए हम विज्ञान पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 162 चित्र 13.12 से खोज करके इसके आंसर को हम लिख सकते हैं। अब कैसा बनाएंगे हम देखिए, आप समय और दूरी, तो इस प्रकार से हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, ये 5 क्या है, ये है हमारे पास समय। अब दूरी देखिए आप, दूरी यहाँ पर है, दूरी है 2, 2, 4, 6, 8 और 10, ये दूरी है और ये समय है। तो इस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे। देखिए आप यहाँ एक से एक दूरी कितना, 1 किलोमीटर, समय 1 घंटे में 2 किलोमीटर और 2 घंटे में 4 किलोमीटर, 3 घंटे में 6 किलोमीटर, 4 घंटे में 8 किलोमीटर और 5 घंटे में मिनट में 5 मिनट में, यहाँ मिनट है, समय जो दिया गया है वो मिनट में, 1 मिनट में 2 किलोमीटर, 2 मिनट में 4 किलोमीटर और 3 मिनट में 6 किलोमीटर, 4 मिनट में 8 किलोमीटर और 5 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इस प्रकार से हम ग्राफ बना लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे समय मिनट में। नंबर एक, दो अक्षों को निरूपित करने के लिए 2 लंबवत रेखाएं खींचा, उन पर ओ एक्स तथा अंकित किया, इस प्रकार से हम लिख देंगे। दूसरा, एक्स अक्ष के अनुदिश समय तथा वाय अक्ष के अनुदिश दूरी दर्शाया गया है। तीसरा है, पैमाना समय 1 मिनट 1 सेंटीमीटर, दूरी 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर। चौथा है, दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है, इसलिए वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही। तो इस तरह से हम इस पाठ 13 को गति एवं चाल के सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। आशा है बच्चों आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह आने वाले पाठों को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।